आए सब के पैसा लूट के घर ले जब आए चलना तू आ बड़ा ले पर लो ले हमर बार लो चल ले जो हाँ जो जो ले जो ले ले ये दे दूर रे तू सब साफ खत्म छे भर दिन ताश खेलत रहे छै तोरा सब के त कोई काम नहीं रहे छो पगला तू सब त तीनों गो में ताश खेले छै हम तो चल लियो सूते पप्पा पप्पा नहीं तो नहीं तो गेट खोलो ना कत्ते नींद में सुता तो पप्पा लगे छे बाहरे सुते पड़ते खटिया है ये है यह बिछा के देख रहे के हल्ला करे है सही से सुतूल नहीं दे छी अरे यहाँ तो कोई मर गए हैं हे भगवान आपने क्या किया मेरे बेटे को किसी ने मार डाला ये अनर्थ किया आपने मेरे साथ हे भगवान इसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था आपने ये क्या किया हे भगवान दुर्घटना हो गए बहुत बुरा भला था बेटा देख रहा ना मेरा बेटा उठ नहीं रहा मैं इसे उठाते उठाते थक गया हूँ बेटा चाचा संभाला अपने आप अभी कहियो नहीं उठता अरे ई की भेलै रे तोरा पता नहीं छौ अमितवा मर गेले आई बिलीव ई तो हमर शरीर छ हम जब यहाँ छिए तो हमर शरीर वहाँ के ना हम मर गए केना मर लिए हम इस घटना के बारे में हमको सुबह में ही जानकारी मिली आप आएंगे दो मिनट के लिए आप पिता हैं लड़का के जी पिताजी और आप अब आई है नहीं इसका दोस्त हूँ मैं आई तो आपका लड़का मर गया लेकिन बताएंगे कि क्या हुआ उसके साथ सर मेरा बेटा रात में जल्दी खाना खा करके सो गया था और जब सुबह नहीं उठा तो मैं देखने गया वो मरा हुआ था और किसी ने उसकी चाकू गोद कर हत्या कर दी थी चाकू गोद कर उस समय आप कहाँ थे सर उस समय मैं सो रहा था सर ठीक है ये तो बहुत ही दुखद घटना हुई आपके साथ रामू रिपोर्ट दर्ज कर क्या नाम था लड़के का नाम सर अमित नाम है
अमित नाम से रिपोर्ट दर्ज कर, चाकू गोद कर हत्या। और क्या नाम हुआ तुम्हारा? सर मेरा नाम सर कुणाल है। तो देखो इनको थोड़ा संभालो, ठीक है, इनको संभालो और धाड़स दिलाओ और आप थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। कातिल को बहुत जल्द से जल्द हम पकड़ेंगे, हम आ गए हैं, आपको घबराने की कोई बात नहीं। जी सर, अगर देर हुई तो मैं कानून को अपने हाथ में ले लूँगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, कानून पर भरोसा रखिए, मैं उसे जल्द पकड़ूंगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर अभिषेक रोशन है, चोर कातिल जहाँ भी छुप जाए मैं उसे निकाल लूँगा। और तुम जाओ आगे का कार्यक्रम करो और इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए हम ले जाएंगे, ठीक है। रामू चलो तैयारी करो। चलिए। सुनो कुणाल, मेरे बड़े बेटे को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है, जरा उसको कॉल कर देना। ठीक है चाचा, हम घबरावा नहीं कर देंगे। हेलो अमन, बेटा बेटा चुप हो जाओ, क्या कीजिए, चुप हो जाओ। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था बेटा, शांत हो जाओ। फोनी को कौन देखा है, चुप हो जाओ। कुणाल कहाँ हो? मैं अभी बाजार आया हूँ। मुझे तुमसे कुछ अपने भाई के बारे में जरूरी बात करना था, तो तुम ऐसा करो मेरे गोदाम पे जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अरे कितना टाइम लगा दिया यार कुणाल, चल कोई नहीं, बंद बैठ। अरे गेट तो खोलो, बतावे क्यों बुलाया इतना जल्दी? तुमसे एक जरूरी बात करना था। बोलन। मैं तो यहाँ नहीं रहता था, लेकिन तुम तो हमेशा से यहाँ रहे हो। मेरे अमित भाई के हत्यारे के बारे में तुम्हें कुछ तो मालूम होगा। देखो इसके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं उसको अक्सर उसके दोस्त के साथ देखता था, राजा सुन्नू और एक और है राहुल, तुम्हें उससे ज़रूर पूछना चाहिए, उसको ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा। तो चलो फिर मिलते हैं उनसे। ठीक है चलिए। आ सोनू बैठा। भैया हेलो भैया। कल रात को ही आए, तुमसे एक जरूरी मुद्दे पर बात करनी थी। हाँ बोला। हम तो अपना भाई खो ही दिए, लेकिन असल में उसके साथ क्या हुआ हम ये बात तुमसे जानना चाहते हैं। ओ दिन भोरे के बाद ओकरा से हमरा कुछ बातें नहीं होले, की बताइए आप। तो भोरे में दिन मिल रही तो ओकरा से तरह की बातचीत होले बताए तनी। ज्यादा कहाँ कुछ बात होले रे, अमित राहुल सोनू और हमें सब ताश खेलत रहिए, ओकर बाद कौन दिन एगो बिजनेस वाला बात होले रे, ओकर बाद कहाँ कुछ होले रे। किसी से दुश्मनी भी था उसका?
ई सब बात तो हमरा सन्नस केकरो नहीं बतेल कर अगर बतैने रहतर ना सच कहै छी अब पहले ओकरा के मारतिए ओकर बाद तोरा के तोहर भाई हमर जिगरी दोस्त रहे अगर वो बतैने रहतर ना जकरा केकरो दुश्मनी छै तो ओकरा हम यमलोक पहुंचा देतिए भगवान के लेकिन की करिए भैया हमरा तो कुछ पते नहीं ठीक है हम दोनों चलते हैं आ सुने तो वो सब सावधान रहिए क्योंकि तोरो आर पे खतरा हो सकल समझ ली अच्छा ठीक छै अरे 7 बज गया क्या यार कुणाल तू सुबह सुबह मेरा दिन खराब कर दिया यार गलती से हो गया फोन से थोड़ा बात कर रहे थे गलती से हो गया छोटा रहा यार सुबह सुबह सपना देखे तूने मुझे अभी आके ठोक दिया यार यार गलती से हो गया यार ज्यादा लगा नहीं ना हम तो सुने ही थे कि सुबह का सपना सच होता है आज तो देख भी लिए वाह यार देखो तो कुछ हुआ भी नहीं नहीं ठीक है कुछ नहीं हुआ कौन दारू ब्रांड ले ले मजा आ गलो एकदम की कह तुरंत आजा दे गलो तुरंत कौन दारू रे भाई आई जी दारू पूरा सुच्चा मुवा रो पूरा सुच्चा मुवा हां भाई नशा पागल आ लगे सुन तो का हाल लगे जहां हम प्रधानमंत्री 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 घर जाके सूझ नहीं सब रहे थे तो कभी लड़ से पी ले ले लो ये दारू पी के नाटक करा रहे सब ठीक नहीं करा समझ गया अरे चिरकुट तुम बोलेगा जावे काहे नहीं बोले रुक तोरा बतबे छियो हम पुलिस कंप्लेन कर देबो समझ ले पुलिस कंप्लेन करबी तो हां पुलिस कंप्लेन करबी हां तू साइन कर ले साइकिल पे तो ठाक फेंक देबो सर जब से आपका यहाँ पोस्टिंग हुआ है अच्छा। तब से जैसे क्राइम का नामो निशान ही मिट गया है ओ, पहले क्या होता था पहले यहाँ तो डेली ही क्राइम होता था ओ, राम तुमको शायद नहीं पता होगा मेरे बारे में इससे पहले हम साहबगंज में थे ठीक है ना और उससे पहले हम भगवानपुर में थे वहाँ पर खूनखारों का गैंग जानते हो यही पिस्तौल है वो मैंने इस पिस्तौल से 99 इनकाउंटर कर चुका है अब अगला अब किसका इससे होना है हमको भी नहीं पता है लेकिन लगता है कि इस विभूतिपुर में ये पूरा होगा सर ये सब नशेरी है नशेरी कहके बुलाइए इसको अच्छा अच्छा हाय नशेरी सब इधर आओ क्या हुआ सर प्रणाम सर प्रणाम प्रणाम कम दिखाई पड़ रहा है तुम लोग को कम दिखाई पड़ रहा है कम अरे सुना नहीं तुम पर आए लोगों आ रही है सर
अरे मारे तो क्या इनकाउंटर कर चुका बात समझ रहा है ना सोमा जो बनना चाहता वो आ गया अच्छा तो तुम सोमा बनना चाहता है तो फिर आगे क्यों आया तम डंडा लाओ तो चलो उठो सब उठो भागो भागो सब निकलो हे देवो के देव महादेव आप तो सबका उद्धार करते हैं फिर मेरे साथ ऐसा क्यों मैं अपने भाई के कातिल का पता लगाते लगाते थक चुका हूँ अब आप ही कोई चमत्कार दिखाइए प्रभु बस आपकी शरण में आया हूँ हे वत्स अधिक शोक न करो तुम्हारे भाई की यही नियति थी विधि के विधान में जो लिखा होता है वो तो होगा ही पर उसके हत्यारे का सुराग मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा तुम्हारे भाई के कमरे के बाहर खिड़की के नीचे तुम्हें एक वस्तु मिलेगी वह वस्तु ही तुम्हारे भाई के कातिल का सुराग है आज फिर से सपना कल का तो सपना सच हो गया था कहीं ये भी तो सच नहीं 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 हर सपना सच थोड़ी होता है लेकिन एक बार चलकर देख ले क्या पता कहीं ये भी सच हो यहाँ तो कुछ भी नहीं है ये सपना सच नहीं हो सकता ये कैसे संभव है मेरा अपना ही मेरे भाई का कातिल निकला मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात लेकिन जो भी हो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं आ रहा हूं मैं आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा कुणाल भाई का खून क्यों किया भाई मैंने मार लियो तुम्हारा सच्चा दोस्त था कुणाल मार लियो भाई हम किया मार लो हमारे भाई हमने मारा हमने मार तुम्हारा अंगूठी मेरे भाई के कमरे के पीछे कैसे मिला हमने मार लिया तेरा अंगूठी दिखा भाई हमने मार अंगूठी दिखा अपना भाई हमारा अंगूठी हमारे पास में देखिए ये हमारा हमने मार लियो भाई हम किया मार लियो हमने मार लियो नोकरा क्या बना रहा है हमने मार लियो क्या बना रहा है मुझे मार लियो हमने मार लियो क्या बना रहा है दिखा दिखा जल्दी दिखा रुक 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 हम देखबे कुछ हम कुछ देखबे तोरा रुक रुक हमको नहीं पता हमने मारे ये अंगूठी जिसका है वही मेरे भाई का कातिल है भाई गलती हो गया मुझसे लेकिन बताइए अभी मिले कहाँ मुझे भाई हमको की पता है वो अपना ताशे खेलते रहता है वहीं मिलेगा वो तो चल चल पहले मिलते हैं उससे
सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डंक ही मारता है, और वही काम तुमने किया मेरे साथ राजा। ये तो की बकराल छो, तुमने मेरे भाई का खून क्यों किया? अब बहुत होला, आप तो हम बता भैया। तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तुमको आज मरना ही होगा। तुमने मेरे भाई का कत्ल क्यों किया? तोरा जब हम बोरा लेने लगे तू नहीं समझे वाला छो ना। दिखा अपना अंगूठी। ला देखा अंगूठी। नहीं सर, ये मेरे भाई का कातिल है, आप मुझे मत रोकिए। रुक जा, इसको मेरे हवाले कर दे, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। कानून को अपने हाथ में मत लो अमन, वरना कानून तेरे साथ खिलवाड़ करेगा। नहीं सर, आज मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अब तेरा खेल खत्म, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिल जाता है। अमन, मैं तुम्हें कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। उठ जा, तुमने ये गलत किया। तुम्हें कानून पर भरोसा रखना चाहिए था। कानून अपना काम कर रही थी ना, फिर कानून को हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा खून खराबा तुमने क्यों किया? लेकिन जानते हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आज मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं अमन, चलो। इसको कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिना कुछ किए मैंने अपने पिता के दो कातिलों को मार दिया। लेकिन अभी भी दो कातिल जिंदा है, उसका भी ठिकाना जल्द ही लगाऊंगा। क्या बोलिए पहले? सो हे व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं? सो हे व्हाट्स अप पब्लिक, कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। यार काफी ज्यादा मेहनत लगा, कितना मेहनत लगा बता, कितना मेहनत लग लो? पूरा एक महीना लगातार मेहनत किए हैं, रात भर जगरना किए हैं, आज भी जगरना करना है। सूट लगातार एक महीना लग गया, ऊपर से बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगा। ठीक है, इसका सारा जितना सारा चीज होगा वो मैं आपको डालूंगा वर्सेटाइल कृष्णा वाले चैनल पे। ठीक है, वो जाकर इसको चेकआउट करना, उसमें काफी सारा एडिटिंग के बारे में भी रहेगा। ठीक है, बाकी वीडियो यहाँ तक देख लियो, मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना होता है? इस वीडियो लाइक करना होता है, और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए आप नीचे सब्सक्राइब कर सकते हो। लाल कलर का नहीं होगा, उजला या फिर ग्रे कलर हो जाता है। न्यू अपडेट आया है तो कर लेना सब्सक्राइब करके रख लेना। काफी मेहनत हम लोग किए हैं, तो आप लोगों का धन्यवाद। यहां पर वीडियो आप लोग काफी मजा आया कंटेंट में, नए सिरे से हम लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है, तो बोलिए तुम बोलिए दली। तो फिर से हम भी यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं। काफ़ी मेहनत किए, हमारे पीछे काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी मेहनत किए हैं
लोग जो नहीं यहाँ पे आ पाए आउटरो में, मतलब बहुत सारे लोगों ने मेहनत करा है, कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रेम में कम लोग दिखेंगे, लेकिन काफी मेहनत चला है, काफी सारे लोगों का मेहनत रहता है, ठीक है। तो बस ऐसे प्यार बरसाते रहना एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब बात तो है, बोले हाँ बोलूंगा।